दोस्तों नमस्कार, कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय जो विषय बहुत बहुत ऐसे विवेक पुरुष को लगते हैं, उनके बहुत नजदीकी बात रहती है, वो है एक महिला भरण पोषण का अपना अधिकार कब खोती है। अब एक बात 100% आप जान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पारिवारिक न्यायालय के द्वारा दिए गए तलाक से वैवाहिक संबंध समाप्त होने के बावजूद धारा 125 आपराधिक प्रक्रिया के अर्थ में पत्नी बनी हुई रहती है, यानी इस प्रावधान के तहत पत्नी में एक महिला भी शामिल है जिसे पति द्वारा तलाक दिया गया है, और खाली उसमें एक बात है कि उसने दोबारा शादी नहीं करना चाहिए। तो न्यायालय ने यह कहा कि एक अधिकार के तौर पे स्त्रियों को एक अधिकार दिया है, एक बार शादी करने के बाद या तो वो पत्नी हो तो उसको वो भरण पोषण का हकदार होती है जब वो 125(4) के निर्देश में कोई अक्षमता नहीं हो, यानी उसमें कोई वैवाहिक से ज्यादा दूर कोई और संबंध प्रस्थापित नहीं किया है, यानी शी इज नॉट लीगली क्वालिफाइड। उसके लिए वो अगर डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो वो छोड़ के आमतौर पे एक पत्नी को मेंटेनेंस मिलता है। अब दूसरा बात है तलाकशुदा। अब तलाकशुदा महिला के रूप में भी जिस व्यक्ति से उसने शादी की है उससे वो भरण पोषण का अधिकार या दावा करने का हकदार बनती है, और वो भी हकदार कब तक बनती है, जब तक वो उस आदमी से उसकी शादी जिससे की है, जिससे उसने तलाक लिया है, वो तलाक पीड़ित है तब तक। जब वो वापिस शादी कर देती है तब उसका अधिकार निकल जाता है, यानी तलाक के बाद एक महिला बेसहारा हो जाती है। ये दिमाग में रखते हुए उसका भरण पोषण का अधिकार ये प्रस्थापित रहता है, शाबित रहता है। उसे मैंने तो तलाक दे दिया, अब क्या संबंध है, ऐसा नहीं बोला जा सकता है। वो पुरुष का दायित्व बना रहता है कि भाई उसको खाना पीने का और बाकी का प्रावधान वो करे। अब यही एक मुख्य कारण है जब अधिक तौर से अभी देखा जाए फैमिली कोर्ट में जब डिवोर्स का मैटर होता है, तलाक का मैटर होता है, तब महिलाएं गुजारा भत्ता वन टाइम एलिमनी मांगते हैं, वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर एलिमनी मांगते हैं। तो ये क्यों निपटारा किया जाता है मांग का, क्योंकि शादी करते ही भरण पोषण का अधिकार वो खो देती है। यानी मान लो हर मासिक गुजारा भत्ता अगर उसने मानने के मैं 5,000 मासिक गुजारा भत्ता लूंगी, तो चौथे महीने में उसने शादी की तो पांचवे महीने में वो अपना पति से गुजारा भत्ता लेने की काबिल नहीं रही। पर अगर मैं वन टाइम मेंटेन उसने 2,00,000 का ले लिया और तो दूसरे दिन उसने शादी कर ली तो चलता है। तो आज के विषय में, आज जो विषय मैंने आपके सामने रखा वो था महिला भरण पोषण पर अपना अधिकार कब खोती है, दो ही वाक्य में। एक तो उसने किसी और पुरुष के साथ संबंध नहीं रखा हो, और उसने दूसरे से शादी नहीं की हो, तलाक के बाद दूसरे से शादी नहीं की हो, तब तक उसका भरण पोषण का अधिकार वो शाबित रहता है। आज का विषय यही मैं समाप्त करता हूँ, अगले विषय में किसी और चीज को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।